देखो ये प्रश्न काफी अच्छा इस सेंस में है, क्योंकि इसमें हमें जो हम लोग अभी तक मेहनत कर रहे थे वो मेहनत होती है एक लेबर वाली, है ना। जो लेबर होता है वो क्या करता है बेचारा, उसको बता दो कि यहाँ से ईंटें उठा करके यहाँ पे रखनी है तो वो अपना रखता रहता है। एक होता है कि आप दिमाग से सोच रहे हो, आपको चीजें दिख रही हैं, है ना। कोई वैज्ञानिक है वो तो बहुत ही हाई फाई लेवल का दिमाग लगा करके कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है यार कि बहुपद है, पीएक्स है, जीएक्स है, क्यूएक्स है और आरएक्स है, और ये सारे विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो प्रश्न में दे रखा है, वो आपको प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। अभी क्या है, हमसे बोला क्या जा रहा है कि ऐसा कुछ बताओ, ऐसे कुछ बहुपद बताओ जहां पर ये चीजें संतुष्ट हो रही हो। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले तो हम लोग देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, विभाजन एल्गोरिदम की, उसको देखते हैं। वो क्या लिखी हुई है, पीएक्स को हम लोग क्या करते हैं किसी जीएक्स से भाग देते हैं, हमें क्या मिलता है, क्यूएक्स मिल जाता है, फिर शेष मिलता है आरएक्स। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक। अब देखिए घात पीएक्स जो है वो क्यूएक्स के बराबर हो। पीएक्स क्या है, जिसमें आप भाग दे रहे हैं, और हमें पता है कि जिसमें हम भाग देते हैं उसमें अगर जीएक्स की घात घट जाएगी अगर हमें क्यूएक्स की घात निकालनी है, और यहां पर पीएक्स क्या है, जिसमें भाग दिया जा रहा है, तो अगर मान लो इसकी घात 4 हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, और जीएस की घात 1 हो, तो हमें पता है कि क्यूएक्स की घात हमें कितनी मिलेगी, 3। लेकिन यहां पे दिया क्या गया है, दिया गया है कि यार देखो पीएक्स जो है आपका उसकी घात क्यूएक्स की घात के बराबर है, इसका मतलब ये 4 है तो यहां पर भी 4 होना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे 4 कर देंगे तो वो कब हो सकता है, जब ये शून्य हो जाए। क्यों, क्योंकि इन दोनों को क्या गुणा हो रहा है, तो जब गुणा होता है दो बहुपदों का, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर धन एक में आप एक्स माइनस एक को गुणा कर रहे हो, तो जो भी बहुपद मिलेगा उसकी घात मैं पहले बता सकता हूँ, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे घात है, जो भी बहुपद आएगा उसकी घात 3 होगी। घात जुड़ जाती है जब गुणा करते हैं, ये तुम्हें बचपन से पता है, बचपन से मतलब 8th क्लास 7th क्लास से तो पता है ही यार, है ना। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी घात 3, और इसका मतलब यहां पर अगर इन दोनों को का गुणा हो रहा है तो इधर भी 4 हो, इधर भी 4 हो, या जो भी हो, 4 की जगह 3 हो, 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहां पर जीएक्स शून्य होना चाहिए। किसका, शून्य घात का, ना कि शून्य। तो किसकी घात शून्य होती है, किसी भी कांस्टेंट टर्म की घात शून्य होती है, किसकी, किसी भी कांस्टेंट टर्म की घात शून्य होती है। मजाक कर सकते हैं इसमें, पता है क्या, एक 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 ऐसी संख्या है जिससे आप किसी में भी गुणा करोगे तो हमेशा वही मिल जाएगा, एक से आप किसी बहुपद में गुणा करोगे तब भी आपको वही मिलेगा। तो अगर आप एक से गुणा कर देते हो और एक की घात कितनी है, शून्य है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां पर आपको जो भी मिलेगा उसकी घात उतनी ही बनी रहेगी, ठीक है। और एक और बात समझ लो इसमें, अब आप एक की जगह 2 कर दो या कोई दूसरा कॉन्स्टेंट उठा लो, नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे। 2 कर दिया, यहां पर आपने लिख दिया 2x धन 2, यहां पर लिख दिया आपने x धन 1। अब सोचो यार 2 से आप गुणा कर रहे हो तो 2x भी हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा ना, जो शेष मिलेगा, हमेशा शून्य मिलेगा। देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है, समझने की कोशिश करना, पीएक्स और क्यूएक्स की घात बराबर है, वो तभी हो सकती है जब जीएक्स कोई कांस्टेंट हो, कोई अचर हो, 2 हो 5 हो 1 लाख हो, 15,000 हो, उसमें अचर, जो अचर ही हो, सिर्फ चर ना रहा हो, एक्स नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक्स की घात शून्य होगी, तो कोई भी चर, कोई भी आपका अचर होता है, जैसे 17 है, इसमें क्या है, ये 17 गुणा एक्स की घात शून्य हो सकता है, तो इसकी जो घात है बहुपद के हिसाब से तो वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और तभी ये संतुष्ट हो सकता है। और आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहां पर एक कांस्टेंट रख दिया और फिर आप गुणा कर रहे हो, तो आपको घाते तो बराबर मिल जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो आपको शेष मिलेगा वो हमेशा शून्य मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप सीधे सीधे इसमें किसी एक संख्या से तो गुणा कर रहे हो, तो इसमें किसी संख्या से गुणा किया, आपको ये मिल गया, तो शेष क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, है ना। तो ये आपका हो गया पहला उदाहरण। इसमें क्या नहीं समझ में आया हो मुझे कमेंट में लिखकर के जरूर बताना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और ये आएगा आपको तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप सवाल तब कर पाओगे जो आपको विभाजन एल्गोरिदम में क्या मतलब है वो समझ में आएगा। और इसी का जो दूसरा खंड है वो हम लोग अभी कर लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, है ना, तो इसको दूसरा भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसमें क्या दिया गया है कि क्यूएक्स की जो घात है वो आरएक्स की घात के बराबर है। समझना, इसको समझना अच्छे से। देखो पीएक्स की घात तो सबसे ज्यादा होगी आमतौर पर, क्यों, क्योंकि उसमें आप भाग दे रहे हो, तो किसी बड़ी चीज में भाग दोगे ना, तो यहां पर जो पीएक्स है वो उसकी घात कुछ ज्यादा होगी। मान लेते हैं इसकी घात 4 है। अब आपने अगर जीएक्स से भाग दिया और मान लो जीएक्स की घात कितनी है, 1 है, तो आरएक्स की जो घात है ना बेटा वो शून्य ही होगी। क्यों, क्योंकि जीएक्स से हमेशा छोटा होगा और निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 1 से छोटी संख्या जो निगेटिव ना हो सिर्फ शून्य होती है,
तो आर एस की घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और यहां पर क्यू एक्स आपको क्या मिलेगा, जब इसकी घात एक है इसकी चार है तो चार से एक घटा दोगे तभी तो इसकी घात मिलेगी, इसकी घात हो जाएगी तीन। और हमें दिया क्या गया है, हमें तो दिया गया कि घात जो क्यू एक्स की है वो आर एक्स के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आर एक्स की घात और इसकी घात बराबर हो, तो यहां पर अगर शून्य घात है तो यहां पर भी शून्य करो, जरूरी नहीं है शून्य, कुछ भी हो सकता है। तो शून्य नहीं रखते हैं हम लोग, कुछ और घात भी रख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है वो पहले मिलाते हैं। जो कंडीशन दी गई हम लोग वहां से स्टार्टिंग करके देखते हैं। आर एक्स की घात मान लो आप एक, अब अगर आर एक्स की घात एक है तो पहली चीज तो ये समझ में आ जाएगी कि क्यू एक्स की घात भी एक होगी। क्यों? क्योंकि यही तो आपको निकालना है, ये आपको दे रखा है, जो दे रखा है वो तो मानोगे कि नहीं मानोगे, इतनी जिद करोगे। सनी देओल की एक मूवी थी जिद्दी, और जो बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, मतलब बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखा था बचपन में, कॉलेज में बहुत मूवीज देखी है मैंने। तो वो जिद्दी मूवी ऐसी थी कि वो बहुत जिद्दी रहता था और बहुत लड़ाई करता था सबसे, तो वो भी मान लेगा ये। क्यों? क्योंकि वो उसको भी दिख रहा है कि ये तो सवाल में दिया गया है, अब आप उससे भी ज्यादा जिद्दी हो तो फिर भले ही ना मानो, ये तो सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है? कि आर एक्स की घात है वो क्यू एक्स की घात के बराबर होगी, हो गई। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आएगी यहां से, दूसरी चीज आपको समझ में आएगी यार कि जिससे भी हम भाग देते हैं ना, ये हमारा भाजक है, जी हम लोग भाजक मानते आए हैं अपनी विभाजन एल्गोरिथम में। तो भाग जिससे दे रहे हैं उससे कम घात होती है हमेशा, किसकी? उससे कम होती है हमेशा घात शेष की। तो यहां से एक से ज्यादा होनी चाहिए इसकी घात। अब एक से ज्यादा कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, कितनी भी कर सकते हो आप, एक लाख भी कर सकते हो। लेकिन हम बेवकूफ थोड़ी ना है, हमें क्या करना है, हमें अपनी मेहनत कम करनी है, हमें उदाहरण निकालना है। तो उदाहरण, आसान उदाहरण तब निकलेगा जब हम बहुत छोटे छोटी चीजों का काम करेंगे, बड़ी चीजों का काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो एक से बड़ी हो इतना है कंडीशन, तो एक से जो अगला बड़ा ही संख्या है दो, हम उतनी कर देते हैं। हम क्यों तीन चार पांच के चक्कर में पड़े? तो हमने इसकी घात दो वाला पकड़ लिया। अब समझो इसकी घात अगर दो है और इसकी घात एक है और इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इनका गुणा होने के बाद से जो भी हमें मिलेगा उसकी घात कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। इसका मतलब कोई ऐसा बहुपद होगा तीन घात के बहुपद में, आप दो घात के बहुपद से जब भाग दोगे ना तो आपको एक घात का जो बहुपद मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्यू एक्स हो जाएगा। और आर एक्स जो है वो या तो शून्य का भी हो सकता है, दो से कम में एक भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है। इसलिए इसका उदाहरण बनाने के लिए पहले से ही आर एक्स को किसी एक घात का मान लो, मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, हम उल्टा चलते हैं, उल्टा चल करके देखते हैं। मान लिया आर एक्स हमारे कोई एक घात का है, एक घात का सबसे आसान समीकरण बहुपद क्या होगा, समीकरण नहीं बहुपद, एक्स हो जाएगा ना, इसमें एक गुणांक है और इसमें बाकी कोई पद भी नहीं लिखा है, तो हमने एक्स एक्स मान लिया। अब क्या किया, जितनी घात इसकी है उतनी ही घात किसकी हो, इसकी भी घात हो। तो ये जरूरी नहीं है एक्स है तो ये भी एक्स हो, घात बराबर हो। घात बराबर के लिए हमने इसको थोड़ा और आसान जो था कुछ दूसरा ले लिया, ये हमारा एक्स धन एक हो गया। क्या ये अब क्या कर देंगे, जी एक्स है दो घात का करें, क्यों? क्योंकि अगर दो घात का नहीं होगा तो आपको एक घात का मिल ही नहीं सकता है, या दो हो या तीन हो या चार हो, एक से बड़ा होना चाहिए। और दो घात का हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक से तो बड़ा है जिससे हमारे काम चल जाएगा और साथ में हमें आसान भी तो बना के रखना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो घात का समीकरण ले लिया, एक्स की घात दो धन पांच। अब हमें यहाँ पे पीएक्स जो है वो हम क्या करेंगे, इन्हीं को गुणा करके और फिर ये जोड़ करके निकाल देंगे तो हमारा पीएक्स मिल जाएगा। कोई भी इसका उदाहरण हो सकता है, अब कर ही देते हैं जब इतना किया है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात दो पांच और एक्स धन एक, एक्स की घात तीन हो जाएगा, धन पांच एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की घात दो मिल रहा है, फिर यहां से आपको पांच मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर पांच एक्स यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे, इसको पहले लिख देंगे क्योंकि हटते हुए क्रम में लिखते हैं हम लोग, अच्छा सा है ना, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने लिख दिया। ये आपका क्या आ गया, इन दोनों का गुणा आ गया, और साथ में आपको एक्स जोड़ना भी है तो आप एक और एक्स जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पांच एक्स के साथ एक एक्स जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, यही आपको उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो सही से देखना, एक्स की घात तीन धन एक्स की घात दो धन छ एक्स धन पांच। ये आपका एक ऐसा उदाहरण हो गया जिसमें आपकी क्या है, क्यू एक्स की घात कितनी है, एक, वो आपकी आर एक्स की घात के बराबर है या नहीं है, वहीं से तुमने स्टार्टिंग की थी, वो तो होगा ही। लेकिन साथ में ये तब होगा जब इसकी घात वहां से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है ना विभाजन एल्गोरिथम में, ये हमेशा ही होता है। और साथ में ये संतुष्ट करना चाहिए, तो ये तो हम गुणा भाग करके निकाल दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये आपको मिल गया। ठीक, ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब इसी का आखिरी प्रश्न तीसरा, वो हम लोग अभी से फट से कर लेते हैं उसको भी, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें आर एक्स जो है उसको कितना बता रखा है, उसकी घात को शून्य बता रखा है, आर एक्स को नहीं, आर एक्स की घात शून्य। किसकी घात होती है, किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म की, कुछ भी लिख दिया है ना, कुछ भी लिख दो, उसकी घात क्या है, शून्य है। तो आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपकी जो घात है वो शून्य है, तो कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा आपके किसमें, शेष में। यहां पे आपको क्या चाहिए होगा, क्यू एक्स,
यहाँ पे क्या आएगा जी एक्स और यहाँ पे क्या आएगा पी एक्स। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब आप सोचना स्टार्ट करो, मैं लिख दूंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम लोग इतने सारे प्रश्न कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, इसकी घात अगर शून्य है तो इससे ज्यादा किसकी घात होती है जिससे आप भाग देते हो, तो जी एक्स की घात इससे ज्यादा होनी चाहिए। आसान उदाहरण ले लेते हैं, एक्स ऋण एक ले लिया, ठीक। अब एक्स ऋण एक से आपने क्या किया, भाग दिया, तो यहां पर जो भी आपको मिलेगा वो कितनी भी घात का हो सकता है। अब यहां पर अगर कोई कांस्टेंट हम ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन कांस्टेंट की जगह बहुपद देखिए, चलो अच्छा कांस्टेंट से ले लेता, आप कंफ्यूज मत होना। अब कांस्टेंट से लिया और उसमें आप 8 जोड़ रहे हो तो वास्तव में पहले से ही हल किया जा सकता था, तो यहां पर शेष लिखने की अलग से जरूरत पड़ने की जरूरत थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी इसलिए हम लोग उसके यहां पर कांस्टेंट नहीं लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये घात का है आसान बनाना है, तो यहां पर हम एक ही घात को कुछ और लिख लेते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, 2x + 3 लिख दिया, इन दोनों का गुणा कर दीजिए और उसके बाद से 8 जोड़ दीजिए, जो भी मिलेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो वो करके देख लेते हैं, कर देते हैं यार। जो कांस्टेंट यहां पर नहीं लेने वाली बात क्यों मैंने बोली थी, देखो कांस्टेंट ले लो तो काम क्या होगा, देखो दिक्कत क्या होगी, कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या बता दिया मुझे समझ में नहीं आया। 7 से गुणा करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, 7x - 7 मिलेगा, फिर उसमें आप 8 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 7x - 1, ये मिल जाएगा। तो आप उसको अलग अलग तरह से ऐसे आपने लिखा यहाँ पे 7x - 1 लिखा। अब आप इसमें x - 1 से जब भाग दोगे ना, क्या करोगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x - 1 से आपने भाग किसको दिया, 7x - 1 को, तो क्या जाएगा, 7 बार आपने भाग दिया तो 7x मिल गया आपको, -7 मिल गया, तो यहां से ऋण हो गया, ये धन हो गया, ये कट गया, ये धन 8 हो गया, ये आपको मिल गया, तो शेष क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, भागफल क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, भाग किससे दे रहे थे, x - 1 से, और यहां से आप 7x - 1 लिखोगे तो ये सेटिस्फाई तो कर गया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि इसकी जगह अगर आप कोई बहुपद लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा लोगों को, किसको, क्योंकि बहुपद की बात हो रही है, काम तो हमारा ये भी चल गया। यहाँ पे घात rx की देखो 0 है, 8 की घात क्या है, 8 की घात 1, ये मत बोल देना कि 8 की घात 1 है, 8 की घात 1 तो है ही, लेकिन हम लोग बहुपद में घात किसको बोलते हैं, जो हमारा चर पद होता है, चर पद क्या होता है, x है मान लो यहाँ पर, तो x की घात तो 0 है, क्योंकि x की घात 0 क्या होती है, 1, और 8 को आप लिख सकते हो 8 - 1, तो 1 को क्या लिख दिया आपने, x की घात 0, फिर से समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये भी सही है, और इसके लिए मैं दूसरा उदाहरण दे रहा था, वो क्या दे रहा था, वो ये दे रहा था, वो आपको दे रहा था, यहाँ पर मैंने 2x + 3 2x - 3 लिख दिया था तो थोड़ा और सुंदर दिखता, उससे अलग कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x - 3। अब देखिए 2x - 3 में आप x - 1 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 2x² - 3x - 2x - 3 क्या हो गया, 2x² - 2x - 3 ये हो गया। इसमें आप 8 जोड़ दोगे तो धन 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कितने भी उत्तर हो सकते हैं यार, यहाँ पे तो हमें एक उदाहरण देना है, कितने भी बना सकते हो आप, इन्फाइनाइट बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि हो क्या रहा है वो, प्लस हमें उत्तर निकालना है तो हम आसान तरीके से निकालें, कैलकुलेशन में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से आप सोचो कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली, हमारे इसमें एक और एक्सरसाइज दे रखी 2.4, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो करेंगे तो और अच्छा रहेगा, अगर आप बताते हैं तो मैं आपके लिए वो वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दूंगा, जिसमें हम लोग त्रिघात समीकरण और त्रिघात बहुपद की बात करते हैं, ठीक है। उसमें भी जो मूल होते हैं हमारे, उसका भी कुछ गुणांकों के साथ लेना देना होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और बाकी जिन लोगों को जरूरत है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, उन लोगों को मेरी पूरी कोशिश है कि उन सारे लोगों को भी इसका लाभ मिले, तो आप ऐसे लोग अगर जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।